वेलकम स्टूडेंट्स, आप एमएससी सेकंड सेमेस्टर। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट नेक्स्ट टॉपिक सिनेप्स एंड सिनेप्टिक ट्रांसमिशन। इसके पहले हमने सिलेबस के हिसाब से अकॉर्डिंग टू सिलेबस आई वाज डिस्कस अबाउट द आयनिक बेसिस ऑफ रेस्टिंग एंड एक्शन पोटेंशियल। आफ्टर देन टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट सिनेप्टिक ट्रांसमिशन। टू द अंडरस्टैंड अबाउट द सिनेप्टिक ट्रांसमिशन, एट फर्स्ट वी आर अंडरस्टैंड अबाउट द सिनेप्स एंड सिनेप्टिक ट्रांसमिशन। तो सबसे पहले हमें सिनेप्टिक ट्रांसमिशन समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि व्हाट इज़ द सिनेप्स, क्योंकि सिनेप्स से ही सिनेप्टिक ट्रांसमिशन अराइज हुआ है। सिनेप्स क्या है? एस वाई एन ए पी एस, सिनेप्स। वैसे सिनेप्स आप जानते हैं कि जैसे जब जस्ट लाइक ऑटोग्राफ सिनेप्स लिए जाते हैं किसी सेलिब्रिटी से, जब उसके सिग्नेचर लिए जाते हैं या उससे कुछ ऑटोग्राफ लिए जाते हैं, काफ़ी माने होता है। यानी जस्ट लाइक ऑटोग्राफ सिनेप्स आल्सो परफॉर्म ए वेरी इम्पॉर्टेंट रोल इन द नर्वस सिस्टम। सिनेप्स इज द कनेक्शन बिटवीन वन न्यूरॉन टू अदर न्यूरॉन। यानी एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जहाँ जुड़ रहा है तो कोई ना कोई मैसेज ट्रांसफ़र करता है। एक न्यूरॉन में कोई मैसेज है, इम्पल्स है जो प्रोपगेट हो रहा है, वो जब दूसरे न्यूरॉन्स के टच में आता है, कनेक्ट होता है, तो वो क्या करता है कि वो अपने मैसेज को दूसरे न्यूरॉन में मैसेज को ट्रांसमिट कर देता है। यानी जैसा कि हमने बताया कि ऑटोग्राफ में भी क्या होता है, किसी सेलिब्रिटी से जब हम लेते हैं सिग्नेचर तो उससे क्या होता है कि हमने किसी बहुत ही प्रसिद्ध हीरो से या हीरोइन से हमने स्नैप लिया, उसका सिग्नेचर लिया। यानी एक अपने एक अंडरस्टैंडेबल पॉइंट है कि यानी उनके मैसेज को, उनके जो है तौर तरीके को या उनके सिग्नेचर को, उनका जो इंडिविजुअल जो उनका जो एक करेक्टरिस्टिक है उसको आपने एक पेपर पर लिया। उसी तरीके से एक न्यूरॉन का जो मैसेज है, इम्पल्स है, वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज दैट ट्रांसफ़र फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अदर, तो एक माने रखता है कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में अगर कोई मैसेज ट्रांसफ़र हो रहा है तो वो सिनेप्स बनाता है। सिनेप्स बनाता है, जैसे हाथ से हाथ मिलाते हैं, शेक हैंड करते हैं, उसी तरह एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से मिलता है, मिक्स होता है, तो अपना मैसेज देता है, मैसेज को ट्रांसमिट करता है। जिस तरह से हम हाथ मिलाते हैं एक दूसरे से, तो क्या करते हैं कि अपने हाथ से हम जो है कि अपना एक मैसेज, अपना एक वेलकम, अपना एक स्वागत का जो है एक मैसेज दूसरे के सामने, दूसरे तक पहुंचाते हैं। नमस्ते करते हैं, इधर से हाथ जोड़ते हैं, उधर से भी हाथ जोड़ते हैं, तो हम भी उसके खुशामदी का या उसके उसका स्वागत करते हैं, उसके जो है कि सुख के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, सलामती के लिए प्रार्थना करते हैं, उसी तरह वो भी हमारे लिए करता है। यानी हम एक मैसेज ट्रांसमिट करते हैं दूसरे के लिए और दूसरा सामने वाला हमारे लिए मैसेज ट्रांसमिट करता है, ठीक उसी तरीके से सिनेप्स होता है। तो क्योंकि ये बायोकेमिकल प्रोसेस है, दिस प्रोसेस और प्रोसीजर कंडक्ट इन द नर्वस सिस्टम, सो इट इज़ ए जूलॉजिकल और जो है कि फिजियोलॉजिकल मेथड ऑफ द एनिमल दैट परफॉर्म इन द एनिमल बॉडी इन द ब्रेन। तो इस तरह से हम इसको बायोकेमिकली क्या हो रहा है ये आपको समझाएंगे, डिस्क्राइब करेंगे। तो सबसे पहले हम सिनेप्स समझेंगे, उसके बाद सिनेप्टिक ट्रांसमिशन पर आएंगे। तो क्योंकि सिनेप्टिक ट्रांसमिशन को समझने के लिए, जानने के लिए सिनेप्स को, क्योंकि सिनेप्स का यह जानना जरूरी है। और सिनेप्स क्या होता है, सिनेप्स हाउ मेनी टाइप ऑफ सिनेप्स बाय विच वन मैसेज ट्रांसमिट फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अदर, तो ये हम देखेंगे। तो पहले हम देखते हैं, तो ये टॉपिक आपका सिनेप्स एंड सिनेप्टिक ट्रांसमिशन में आते हैं। देखिए, ए नर्व इज़ फॉर्म्ड ऑफ मेनी न्यूरॉन्स, क्योंकि हमने सबसे पहले ही बताया, जैसा कि हमने डिस्क्राइब किया था, एज यू नो दैट आई डिस्क्राइब अबाउट द न्यूरॉन्स, देयर आर मेनी न्यूरॉन्स कनेक्टेड विथ ईच अदर एंड फॉर्म ए
पर्टिकुलर ऑफ नर्व, तो यानी बहुत से न्यूरॉन मिल करके क्या बनाते हैं, नर्व बनाते हैं। तो ए नर्व इज फॉर्म ऑफ मेनी न्यूरॉन्स कनेक्टेड एंड टू एंड, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के एंड से, जैसे एक न्यूरॉन ये, ये न्यूरॉन ये, दूसरा न्यूरॉन, एक न्यूरॉन का एंड यहाँ पर है, इसका एंड कहीं और होगा, तो एक न्यूरॉन का एंड दूसरे न्यूरॉन के जो है कि एक पोर्शन से जब जुड़ता है, एंड टू एंड जब कनेक्ट होता है, जुड़ता है, इस तरह से लंबे लंबे चेन बन जाते हैं, यानी कि बहुत से हजारों सैकड़ों की संख्या में जो है न्यूरॉन आपस में मिल मिल करके कनेक्ट होकर के जुड़ जुड़ करके वो नर्व बनाते हैं। तो जहाँ एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के एक एंड से दूसरे एंड, एक न्यूरॉन के एंड से दूसरे न्यूरॉन का एंड जब जुड़ता है, तो वहाँ पर एक जो है कनेक्शन, एक जो है कि एक जंक्शन बनता है, जंक्शनल रीजन बनता है, जिसको हम सिनेप्स बोलते हैं। तो आगे देखिए, इन अदर वर्ड्स, अगर दूसरे लैंग्वेज में से, दूसरे शब्दों में से अगर समझाएं, तो सिनेप्स इज़ द जंक्शनल रीजन वेयर वन न्यूरॉन एंड्स एंड अदर बिगिन, यानी सिनेप्स क्या है, वो एक जंक्शनल रीजन है, यानी एक जुड़ने वाली जगह है, दोनों आपस में जहाँ जुड़ते हैं, यानी कि एक स्थान है जहाँ पर एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से ऐसे जुड़ता है, तो ये जुड़ने वाला जो स्पेस, जो जगह है, दैट इज नोन एज जंक्शनल रीजन। और यही जंक्शनल रीजन क्या है, सिनेप्स है, इसे कहा जाता है। और इसमें होता क्या है कि एक न्यूरॉन का एंड होता है, यानी एक न्यूरॉन, जैसे एक न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन आ रहा है, एक न्यूरॉन का यहाँ पर एंड है, और दूसरा न्यूरॉन इसे जुड़ रहा था, दूसरा न्यूरॉन यहीं से शुरू होता है, यहीं से स्टार्ट होता है, तो यानी एक न्यूरॉन का एंड और दूसरे का बिगिन। तो इस तरह से वेयर वन न्यूरॉन एंड्स एंड अदर बिगिन्स, एक जहाँ पे जिसका एक अंत हो रहा है, दूसरे का वहाँ से शुरुआत हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि सिनेप्स इन दैट प्लेस जंक्शनल रीजन वेयर वन न्यूरॉन एंड्स एंड अदर बिगिन्स, और या दूसरे तरीके से हम कह सकते हैं, और द जंक्शंस बिटवीन टू न्यूरॉन्स मे बी कॉल्ड ए सिनेप्स, यानी हम ये कह सकते हैं जहाँ दो न्यूरॉन जिस स्थान पर जुड़ते हैं, यानी मिलते हैं, मिक्स होते हैं, आपस में जुड़ते हैं, इस तरह से उस स्थान को क्या बोलते हैं, सिनेप्स बोलते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि सिनेप्स क्या है, दो न्यूरॉन जहाँ आपस में मिलते हैं, वो जो है कि वो स्थान, वो जंक्शन रीजन, वो जंक्शनल प्लेस इज नोन एज सिनेप्स। और ये सिनेप्स कई तरीके से होते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन, क्योंकि न्यूरॉन में तीन पार्ट होते हैं, एक पर्टिकुलर एक न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में देखते हैं, आई अंडरस्टैंड अबाउट द न्यूरॉन्स दैट पर्टिकुलर ये न्यूरॉन हैव थ्री रीजन ऑफ देयर टिपिकल बॉडी, दैट इज हेड रीजन, दैट इज साइटॉन, एंड मिडिल रीजन, दैट इज एग्जॉन, एंड टर्मिनल रीजन, दैट इज सिनेप्टिक नर्व। तो इस तरह से हम देखते हैं टर्मिनल पोर्शन, मिडिल पोर्शन और हेड पोजिशन पोर्शन, ये तीनों मिल करके एक पर्टिकुलर एक न्यूरॉन के तीन भाग होते हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं कि एक न्यूरॉन का जो टर्मिनल पोर्शन है वो दूसरे न्यूरॉन के कहाँ पर जाके अटैच होगा, कहाँ से जुड़ेगा, तो ये कोई निश्चित नहीं होता है, लेकिन ये खास तौर से तीन पार्ट हैं, तो किसी न किसी एक पार्ट से जाके जुड़ेगा। तो जाहिर बात की इस तरह से सिनेप्स तीन तरह के हो जाते हैं। तो इस तरह हम देखेंगे, बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ कनेक्शंस, बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ कनेक्शंस सिनेप्स आर क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप, यानी जो कनेक्शन बन रहा है एक न्यूरॉन से बीच, न्यूरॉन्स के दो न्यूरॉन के बीच में जो कनेक्शन बन रहा है, इस कनेक्शन के नेचर के हिसाब से जो सिनेप्स तीन तरह होते हैं, इसे तीन तरह से क्लासीफाई किया गया है। वो थ्री टाइप्स कौन कौन से हैं, देखें यहाँ पे, फर्स्ट है एक्सोसोमैटिक सिनेप्स, सेकंड एक्सोडेंड्राइटिक सिनेप्स, थर्ड एक्सोएक्सॉनिक सिनेप्स। क्या मतलब है इसका, फर्स्ट है एक्सोसोमैटिक सिनेप्स, पर्टिकुलर जब वो किसी न्यूरॉन में जाते हैं तो उसका ये देखिए पहला ये हेड रीजन है, यानी ये जो है साइटॉन है, ये साइटॉन, साइटॉन में क्या होता है, सोमा पाया जाता है, सोमा किसके, यानी कि ये में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर फ्लूइड होता है पर्टिकुलर, क्योंकि न्यूरॉन भी एक पर्टिकुलर एक सेल है, जैसे तमाम सेल होते हैं बॉडी में, उसी तरह से नर्व न्यूरॉन भी क्या है, एक पर्टिकुलर सेल है, स्पेशल टाइप सेल है दैट फाउंड इन द नर्वस सिस्टम ऑफ द एनिमल। तो ये सोमा वाला रीजन है, तो एक तो हेड रीजन है, दूसरा ये एग्जॉन है बीच वाला,
और ये टर्मिनल नाभ है। तो इस तरीके से फर्स्ट में देखते हैं एक्सोसोमैटिक सिनेप्स, क्या मतलब यहाँ एग्जान भी जुड़ा है या सोमैटिक रीजन भी जुड़ा हुआ है, यानी सोमा वाला रीजन और एग्जान वाला रीजन, यानी एग्जान सोमा से मिल रहा है। देखिए आगे, इट इज़ फॉर्म्ड वेयर द वेन एन एग्जान एंड्स ऑन ए सोमा साइटन, सोमा मतलब साइटन, साइटन ऑफ अनदर न्यूरॉन, यानी एक न्यूरॉन का जो एग्जान है, ये जो एग्जान है एक न्यूरॉन का एग्जान किससे मिल रहा है, साइटन से अटैच हो रहा है। तो एक पर्टिकुलर न्यूरॉन का जो एग्जान वाला रीजन है वो जो दूसरे न्यूरॉन के साइटन से यानी सोमा से जो है कि अटैच हो रहा है, तो इसको जो है कि बोलते हैं एक्सोसोमैटिक सिनेप्स, एक्सोसोमैटिक सिनेप्स, क्योंकि देखिए एक जो है कि ये न्यूरॉन है और ये दूसरा न्यूरॉन है, दो न्यूरॉन आपस में जुड़ रहे हैं। अभी फिगर हम आपको डिस्क्राइब करते हैं। तो देखिए इसका जो एग्जान, इस न्यूरॉन का जो एग्जान है वो किससे जाके मिल रहा है, उसके जो है कि सोमैटिक रीजन से मिल रहा है, यानी सोमा वाले पार्ट से, यानी हेड वाले पार्ट से, जहाँ न्यूक्लियस उससे जो अटैच हो रहा है, तो इसलिए जो है कि एक्सोसोमैटिक सिनेप्स बना रहा है, यानी एक्सोसोमैटिक सिनेप्स बना रहा है, एक्सोसोमैटिक। तीसरा हम कहते हैं इट इज़ फाउंड व्हेन द व्हेन एन एग्जान एंड्स, जहाँ पे एक एग्जान एंड हो रहा है, कहाँ पर एंड हो रहा है, ऑन ए सोमा साइटन ऑफ अनदर न्यूरॉन, दूसरे न्यूरॉन के साइटन पर। दूसरा देखिए एक्सोडेंड्राइटिक सिनेप्स, यानी एक न्यूरॉन का एग्जान दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से मिल रहा है, जुड़ रहा है। इट इज़ फॉर्म्ड व्हेन एन एग्जान एंड्स ऑन ए डेंड्राइट ऑफ अनदर न्यूरॉन, एक न्यूरॉन का एग्जान जो दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से जुड़ रहा है। देखिए अब ये एक न्यूरॉन है, इसका जो एग्जान है दूसरे के जो है कि कहीं कहीं डेंड्राइट से, डेंड्राइट मतलब होता है न्यूरॉन के जो हेड रीजन में जो फाइबरस पार्ट होते हैं, यानी ट्री ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर, तो उसी तरह ये डेंड्राइट्स हैं, तो इसमें भी डेंड्राइट्स हैं दूसरे न्यूरॉन में भी, तो इसे डेंड्राइट्स के पार जाकर मिलते हैं। देखिए ये एक न्यूरॉन का जो एग्जान है ये किससे आके मिल रहा है, ये डेंड्राइट्स, एक्सोडेंड्राइटिक सिनेप्स, यानी एग्जान जो है डेंड्राइट से जुड़ा, एक न्यूरॉन का एग्जान दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट, दोनों आप डेंड्राइट से ये देखिए जुड़ रहा है यहाँ पर, इस तरह से एक्सोडेंड्राइटिक सिनेप्स बनाता है सेकेंड। यानी अब तीसरा है एक्सो एग्जानिक सिनेप्स, यानी एक न्यूरॉन का एग्जान दूसरे न्यूरॉन के एग्जान से ही जुड़ रहा है। इट इज़ फॉर्म्ड व्हेन एन एग्जान एंड्स ऑन द एग्जान ऑफ अनदर न्यूरॉन, यानी कि इस न्यूरॉन का एग्जान दूसरे न्यूरॉन के एग्जान से जुड़ रहा है। देखिए यहाँ पे एक्सो एग्जानिक सिनेप्स, यानी इसका जो एग्जान है ये देखिए होते हुए आ रहा है, एग्जान किससे जुड़ रहा है, इस न्यूरॉन के एग्जान से, एग्जान दूसरे एक पहले वाले न्यूरॉन के बाद वाले न्यूरॉन, यानी प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, जो सिनेप नर है दूसरे के एग्जान से जुड़ रहा है। तीसरा है तो एग्जान एंड्स ऑन द एग्जान ऑफ अनदर न्यूरॉन, तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर आपके सामने है, इसमें एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जुड़ रहा है, ये प्री न्यूरॉन है, ये पोस्ट न्यूरॉन है, ये पहले वाला न्यूरॉन है, ये बाद वाला न्यूरॉन, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से अटैच हो रहा है, कनेक्ट हो रहा है, सिनेप्स बना रहा है, जुड़ रहा है। क्यों जुड़ रहा है, क्योंकि इस न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन कहाँ पहुँच रहा है, इस न्यूरॉन के पास इंफॉर्मेशन पहुँच रहा है। तो इसमें देखिए ये एक साथ तीनों नहीं होते, अलग अलग कंडीशन में होते हैं, हमने तो इस फिगर में तीनों कंडीशन एक साथ दिखाया, तीनों सिनेप्स एक साथ दिखाया, लेकिन कोई जरूर नहीं कि एक न्यूरॉन का ये तीनों भाग से जाके जुड़े, हो सकता है किसी न्यूरॉन में डेंड्राइट से जुड़ा हो, किसी न्यूरॉन में एग्जान से जुड़ता हो, किसी न्यूरॉन में साइटन से जुड़ता हो, लेकिन ये टिपिकल जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे शो कर रहा है कि जो है कि एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से सिनेप्स बना रहे हैं। इस तरह से ये फिगर अच्छी तरह समझ लीजिए, यहाँ पे दिखाया गया एक्सोसोमैटिक सिनेप्स फर्स्ट हो गया, एक्सोडेंड्राइटिक सिनेप्स सेकंड हो गया, एक्सोएग्जानिक सिनेप्स थर्ड हो गया। इस तरह से आगे देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन में, इन ए सिनेप्स द टर्मिनल ब्रांच ऑफ द एग्जान ऑफ वन न्यूरॉन कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ द डेंड्राइट और साइटन सोमा ऑफ अनदर न्यूरॉन,
यानी कि एक न्यूरॉन का जो है कि डेंड्राइट्स दूसरे न्यूरॉन के सोमा से अटैच होता है। जब अटैच होता है तो उसको जो है कि हम प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन बोलते हैं। द न्यूरॉन कंट्रीब्यूटिंग द एग्जॉन इज कॉल्ड प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन। यानी एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जुड़ा है तो जो पहले वाला न्यूरॉन है उसका नाम देते हैं प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन। याद दिया हुआ प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, ये सिनेप्स बनाने वाला पहला न्यूरॉन है, या इसका प्री सिनेप्टिक फाइबर्स और न्यूरॉन बोलते हैं, और ये दूसरा क्या है पोस्ट सिनेप्टिक फाइबर और न्यूरॉन। तो देखिए द न्यूरॉन कंट्रीब्यूटिंग द एग्जॉन इज कॉल्ड प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन एंड द अदर इज कॉल्ड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। इस तरह से एक जो है न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जुड़ता है, तो जहाँ जुड़ता है उसी स्थान पे हमें पहुँचना है, क्योंकि हमें सिनेप्टिक ट्रांसमिशन पढ़ना है। सिनेप्टिक ट्रांसमिशन का मतलब है कि एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जब जुड़ता है तो कैसे जुड़ता है, उसका क्या नाम है आपने देख लिया किस तरीके जुड़ता है, और ठीक है, लेकिन सिनेप्टिक ट्रांसमिशन होता कैसे, क्योंकि एक न्यूरॉन में मैसेज है दूसरे न्यूरॉन में मैसेज नहीं है। तो एक न्यूरॉन अपना मैसेज दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफ़र करता है अपनी सूचना, जैसे कोई किसी के कान के पास जाके मुंह से कुछ उसके कान में धीरे से बोले, यानी उसका कान और उसका मुंह दोनों आपस में जहाँ अटैच होता है तो यानी कान और मुंह आपस में क्या बनाते हैं सिनेप्स बना लेते हैं। तो सिनेप्स बना तो लेते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि किसी का मुंह किसी का जो है कान से एकदम सट जाए। हो सकता है कि एक इंच की दूरी हो सकता है कि दो चार सेंटीमीटर की दूरी हो, यानी बीच में गैपिंग होती है, लेकिन जो सूचनाएँ हैं जो मुँह से बोली जा रही हैं वो दूसरे कान में पहुँच जाती हैं। उसी तरह के एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच में जब कनेक्शन बनता है तो किस तरह से कनेक्शन बनाते हैं इसको हमें डिस्क्राइब करना है, कैसे उनकी सूचनाएं ट्रांसमिट होती हैं, दैट इज सिनेप्टिक ट्रांसमिशन। तो इसको आगे हम समझाएंगे। तो आगे देखिए, देयर इज ए गैप बिटवीन द प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन कॉल्ड सिनेप्टिक क्लिफ्ट। यानी एक न्यूरॉन जब दूसरे न्यूरॉन से किसी भी रीजन में, चाहे वो साइटॉन रीजन में हो, चाहे वो एग्जॉन रीजन से जुड़ रहा हो, चाहे डेंड्राइट से जुड़ रहा हो, अब वो बात वहीं दरकिनार कर दीजिए, वहीं पर रख दीजिए, लेकिन कहीं पे भी अगर दो एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से अटैच होता है तो वहाँ का कंडीशन क्या होता है, वहाँ का स्ट्रक्चर क्या होता है, वहाँ पे फंक्शन क्या हो रहा है, वहाँ पे क्या प्रोसीजर हो रहा है, ये आपको देखना है। तो हम बताने जा रहे हैं, देयर इज ए गैप बिटवीन द प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन कॉल्ड सिनेप्टिक क्लिफ्ट। एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जब जुड़ता है तो उसके बीच में एक गैप होता है, एक बहुत थोड़ी सी जगह होती है, यानी वो पूरी तरह से दोनों सटते नहीं, अटैच नहीं होते, एक थोड़ी सी जगह होती है, गैपिंग होती है, उसी गैप को क्या बोलते हैं सिनेप्टिक क्लिफ्ट बोलते हैं। यानी देखिए, ये एक न्यूरॉन ये है, एक न्यूरॉन ये है, दोनों के बीच में ये जगह है, ये स्पेस है, इस स्पेस में इसी स्पेस को क्या बोलते हैं सिनेप्टिक क्लिफ्ट कहा जाता है, यानी इसी गैप को सिनेप्टिक क्लिफ्ट बोलते हैं। क्योंकि हम सिनेप्टिक ट्रांसमिशन पढ़ने जा रहे हैं तो एक एक चीज़ों को देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अब आप सोचेंगे इन दोनों के बीच में जो गैपिंग होती है वो मिनिमम कितनी हो सकती है, यानी एक एवरेज कितनी जो है कि बीच में जगह होती होगी, तो उसकी चौड़ाई जगह की कितनी होती होगी। यहाँ देखिए, एवरेज वाइड 200 एंगस्ट्रम, यानी एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच में जो गैपिंग होती है जिसे हम सिनेप्टिक क्लिफ्ट बोलते हैं, क्योंकि मैसेज को जो है कि ये इम्पल्स को ट्रांसमिट करने के लिए बीच में जो जगह होती है वो 200 एंगस्ट्रम की होती है सिनेप्टिक क्लिफ्ट। और कैसे जो आपस में अटैच होते हैं वो आपको देखना, देखने में तो लगता है कि दोनों के बीच में गैप है, लेकिन गैपिंग किस तरह की है ये हमें आगे देखना। तो इस फिगर में आप देख लीजिए कि ये पहले तो ये देखेंगे, एक एक बातें आएंगी तो हम इस फिगर को फोकस करेंगे। एक न्यूरॉन ये, एक दूसरा न्यूरॉन है, दोनों न्यूरॉन के बीच में जो गैपिंग है दोनों अटैच होते हैं, यानी कनेक्शन बनाते हैं, दोनों के बीच में जो दूरी है जो जगह है वो 200 एंगस्ट्रम की है, जिसे सिनेप्टिक क्लिफ्ट बोलते हैं। फिर आगे देखिए, सिनेप्टिक नर्व्स हैव द कैपेबिलिटी ऑफ कंटिन्यूली सिंथिसाइजिंग न्यू ट्रांसमीटर सब्सटेंसेस। यानी कि एक न्यूरॉन दोनों न्यूरॉन आपस में अटैच हो रहे हैं, बीच में इतनी जगह है 200 एंगस्ट्रम की, लेकिन एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच में एक सब्सटेंस रिलीज होती है,
यानी एक सबस्टेंस, ये केमिकल एक न्यूरॉन से जहाँ से सूचनाएं जा रही हैं दूसरे में, यहाँ से निकल के दूसरे में जाती हैं। तो जो सबस्टेंस यहाँ से यहाँ तक जाती है यानी वो मैसेज ही होता है, जो मैसेज लेकर के एक न्यूरॉन आ रहा है, जो से न्यूरॉन में वो मैसेज को लेके जा रहा है, तो वो एक सबस्टेंस यानी केमिकल मैसेज होता है। अब यहाँ पर देखिए फिगर में प्री सिनेप्टिक फाइबर ये हो गया, ये पोस्ट सिनेप्टिक फाइबर हो गया, पोस्ट सिनेप्टिक, और इसके ऊपर का मेम्ब्रेन ये है पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, ये है इसका जो है कि पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, ये है बीच में जगह है सिनेप्टिक क्लिफ्ट है, और यहाँ पे माइटोकांड्रिया भी है, माइटोकांड्रिया इसमें भी होता है, इसमें भी होता है। माइटोकांड्रिया का मतलब है कि माइटोकांड्रिया एटीपी रिलीज करती है, क्योंकि यहाँ से मैसेज यहाँ जा रहे, जैसे एक पोस्टमैन जब पोस्ट ऑफिस से लेटर लेकर के किसी के घर घर तक पहुँचाने जाता है, तो जाहिर सी बात कि उसको कुछ पेमेंट मिलता है, वो फ्री में तो काम करेगा नहीं। उसी तरीके से यहाँ से मैसेज दूसरे न्यूरॉन तक जा रहा है, तो इसके बीच में एनर्जी खर्च होती है, जो एनर्जी खर्च होती है, एनर्जी मिलेगी कहाँ से, माइटोकांड्रिया से एनर्जी मिलती है। तो जब एनर्जी मिलती है तभी, क्योंकि ये एनर्जी बेस प्रोसेस है ये, और जो है कि ये कैसे ये काम करता है हम आपको आगे देख रहे हैं, दिखा रहे हैं। देखिए सिनेप्टिक नॉब हैव द कैपेबिलिटी कंटिन्यूली सिंथिसाइजिंग न्यू ट्रांसमीटर सबस्टेंसेज। अब जब एक मैसेज, जब एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन जुड़ता है तो एक मैसेज लेके जाता है, क्यों, पहला वाला मैसेज तो डिलीट हो गया, पहुंच गया, लेकिन अब दूसरा नया मैसेज जा रहा है तो नया सबस्टेंस रिलीज होगा, दूसरा ट्रांसमीटर सबस्टेंस, न्यू ट्रांसमीटर सबस्टेंस रिलीज होता है उस, और ये रिलीज़ कैसे होता है, ये मैसेज जो है एक सबस्टेंस के रूप में रिलीज़ हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है। तो ये जो किस तरह से आगे बढ़ते हैं, देखिए नाब कंटेंस माइटोकांड्रिया एंड लार्ज नंबर ऑफ वेसिकल्स कॉल्ड सिनेप्टिक वेसिकल। अब यहाँ पे माइटोकांड्रिया तो है ही है, क्योंकि एनर्जी चाहिए, साथ साथ ये जो न्यू ट्रांसमीटर सबस्टेंस जो आगे बढ़ रहे हैं वो कैसे बढ़ रहे हैं, यूँ ही नहीं जा रहे हैं, वो भी एक वेसिकल फार्म में जा रहे हैं, यानी कि सिनेप्टिक वेसिकल यहाँ होता है। ये देखिए छोटे छोटे जो है कि वेसिकल बनाए गए हैं थैलेनू में है, इसी के अंदर वो जो है कि न्यू ट्रांसमीटर जो सबस्टेंस है वो अंदर भरा होता है, और ये छोटे छोटे वेसिकल थैलेनुमा स्ट्रक्चर है, ये ले करके उसे आगे बढ़ते हैं, उस ट्रांसमीटर सबस्टेंस को लेके आगे बढ़ते हैं, यानी ट्रांसमीटर सबस्टेंस से छोटे छोटे वेसिकल्स के अंदर भरे होते हैं, और माइटोकांड्रिया के हेल्प से ये धीरे धीरे टर्मिनल नाव की ओर, सिनेप्टिक नाव की ओर बढ़ते हैं, यानी कि किनारे की ओर आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कौन सा ट्रांसमीटर सबस्टेंस क्या है ये देखना है, यानी कौन सी ऐसी चीज़ है जो इस वेसिकल के अंदर भरी हुई है। दीज वेसिकल्स कंटेन द एक्साइटेटरी ट्रांसमीटर मटेरियल्स दैट इज एसिटिल कोलिन ACH, इसे शॉर्ट में ACH बोलते हैं, यानी वेसिकल्स के अंदर जो मटेरियल भरा हुआ है, जो न्यू ट्रांसमीटर सबस्टेंस है, क्योंकि जब जब मैसेज आता है तब तब नया ये ट्रांसमीटर सबस्टेंस रिलीज होता तो एक ही है, लेकिन वो बार बार रिलीज होता है, तो ये वेसिकल के अंदर जो ट्रांसमीटर, क्योंकि यही एक्साइटेटरी ट्रांसमीटर मटेरियल जो है कि एक्साइट करता है टर्मिनल पोर्शन को, ये एक्साइट करने वाला एक्साइटेटरी ट्रांसमीटर मटेरियल बोला जाता है। ये वास्तव में इसका बायोकेमिकल फार्मूला देखा जाए, बायोकेमिकली क्या है ये, यह एसिटिल कोलिन, एसिटिल कोलिन सबस्टेंस होता है जो इस वेसिकल के अंदर भरा होता है, क्योंकि यही मैसेज को ट्रांसफर करता है। दैट मटेरियल्स ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेज फ्रॉम प्री टू पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, और यही जो एसिटिल कोलिन है, जो मटेरियल है, सबस्टेंस है, यही जो है मैसेज को यानी इम्पल्स को, सूचनाओं को एक टर्मिनल पोर्शन से, एक न्यूरॉन के जो है कि टर्मिनल नाव से दूसरे पोस्ट न्यूरॉन, पोस्ट सिनेप्टिक फिलामेंट में, न्यूरॉन में भेजने का काम करता है, ट्रांसमिट करने का काम करता है। ATP फॉर सिंथेसिस ऑफ ट्रांसमीटर सबस्टेंसेज। अब माइटोकांड्रिया प्रोवाइड्स ATP फॉर सिंथेसिस ऑफ ट्रांसमीटर सबस्टेंसेज। इसमें जो ट्रांसमीटर सबस्टेंस जो सिंथेसाइज होते हैं, जो बनते हैं बार बार, उसके लिए जो एनर्जी खर्च होती है, वो एनर्जी कहाँ से प्रोड्यूस होती है, माइटोकांड्रिया उसे देता है, यानी एसिटिल कोलिन को जो है कि सिंथेसाइज होने के लिए बार बार एनर्जी कौन देता है, माइटोकांड्रिया देता है।
अब देखिए यहाँ पर ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन एक्रॉस ए सिनेप्स सिनेप्टिक जंक्शन इज कॉल्ड सिनेप्टिक ट्रांसमिशन। अब हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे थे, जो डिस्प्लेन हो रहा था, वहाँ पहुँच चुके हैं। यानी सिनेप्टिक ट्रांसमिशन क्या है, ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन एक्रॉस ए सिनेप्स, यानी कि एक इंफॉर्मेशन, एक सूचना का सिनेप्स के इस पार से उस पार ट्रांसफ़र होने के गतिविधि को, यानी ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन एक्रॉस ए सिनेप्स, एक सिनेप्स से के इस पार से उस पार ट्रांसफ़र होने के मेथड को, प्रोसीजर को, या क्या कहते हैं, सिनेप्टिक ट्रांसमिशन बोलते हैं। यानी यहाँ से सूचनाएँ यहाँ जा रही हैं, ट्रांसफ़र हो रही हैं, इसी ट्रांसफ़र होने के मेथड को, इसी प्रोसेस को, या इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र के मैसेज को ही जो है हम सिनेप्टिक ट्रांसमीटर बोलते हैं, कहते हैं। और ये कहाँ से हो रहा है, जो है कि सिनेप्टिक जंक्शन के पास हो रहा है, सिनेप्टिक जंक्शन के पास हो रहा है। यानी कि एक मैसेज एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसमिट हो रहा है, वो किस प्रोसेस के थ्रू हो रहा है, सिनेप्टिक ट्रांसमिशन के थ्रू। अब आप जान गए होंगे कि इसमें कौन सा केमिकल काम कर रहा है, किस तरह से सिनेप्स बनाते हैं, हाउ मैनी टाइप ऑफ सिनेप्स यहाँ पे हैं, ये आपने देखा। लेकिन जब ट्रांसमिट होते समय इसमें क्या और चीज़ें, क्या और फंक्शन होता है, इनका स्ट्रक्चर कैसे चेंज होता है, यानी कि अभी सिनेप्टिक ट्रांसमिशन का टॉपिक पूरा नहीं हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जो है कि डिटेल एक्सप्लेन करेंगे सिनेप्टिक ट्रांसमिशन को। वेलकम टू ऑल स्टूडेंट। ओके।